कोरोना टेस्ट की नई तकनीक, स्मार्टफोन से होगा टेस्ट, थोड़े समय में रिजल्ट, लार से होगी टेस्टिंग। कोरोना वायरस ने इस साल में हम सभी की जिंदगी बदल कर रख दी। कभी लॉकडाउन में नौकरियां गई तो कभी कोरोना काल में कोरोना का टेस्ट करवाना मुसीबत बन गया, क्योंकि कोरोना के टेस्ट के रेट काफी ज्यादा थे। लेकिन अब ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसका आसान तरीका ढूंढ लिया है, यानी कि एक नई तकनीक की मदद से अब घर बैठे ही आप कोरोना का टेस्ट कर सकेंगे। स्मार्टफोन से कोरोना टेस्ट। वैज्ञानिकों ने CRISPR आधारित COVID-19 जांच के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें स्मार्टफोन कैमरा का इस्तेमाल करते ही 30 मिनट से कम समय में सही परिणाम प्राप्त हो जाता है। ग्लेडस्टोन इंस्टीट्यूट के साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्फले और सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार किया ये टेस्ट किवायती और तेज साबित हो सकता है। ये तकनीक वायरस लोड के बारे में भी पता लगाती है, जो माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। टेस्ट में होगा लार का इस्तेमाल। अमेरिका में तुलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के बोनिंग समेत कई वैज्ञानिकों की टीम ने CRISPR अणुओं के माध्यम से 12 कोरोना संक्रमित और 6 स्वस्थ लोगों का टेस्ट किया। इसके नतीजे शानदार रहे। वैज्ञानिकों ने इसको सबसे सटीक माने जाने वाले RT-PCR टेस्ट जितना प्रभावी बताया है। एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि हम मानते हैं कि ये स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म भविष्य में कोरोना टेस्टिंग क्षमता का तेजी से विस्तार करने की क्षमता प्रदान करेगा। संभावित रूप से संपर्क ट्रेसिंग के सत्यापन को आसान बनाएगा। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए पोर्टेबल स्लाइवा यानी लार आधारित स्मार्टफोन टेस्ट प्लेटफॉर्म विकसित किया। मौजूदा तरीका लंबा। फिलहाल किसी व्यक्ति के कोरोना टेस्टिंग के लिए उसकी नाक और गले में स्टिक डालकर सैंपल लिए जाते हैं। वहीं कोरोना टेस्टिंग के सैंपल लेने वालों को PPE किट समेत कई तरह के उपकरणों की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की लार में भी उसी समान उपस्थित होता है। उनका कहना है कि लार आधारित COVID-19 परीक्षण तुलनात्मक रूप से विश्वसनीय लेकिन सरल और सुरक्षित परीक्षण देने में सक्षम है। पहले इस बीमारी के लिए हो रहा था ये शोध। 2 साल पहले सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ग्लेडस्टोन इंस्टीट्यूट की वायरोलॉजिस्ट मेलानी ओट और डैनियल फ्लेचर के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता जेनिफर ड्योंडा ने घर पर ही HIV का टेस्ट करने की विधि विकसित करने का काम शुरू किया था। अब उन्होंने अपना शोध COVID-19 के वायरस के टेस्ट पर केंद्रित कर लिया है। उन्होंने बड़े स्तर पर उपयोग होने वाली उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से जांचने का तरीका निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।